तुलसी पूजन दिवस पर पंडित मोतीलाल शास्त्री अध्यक्ष राजस्थान भृगु भवन जन कल्याण ट्रस्ट की तरफ से आप सबको तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी का वृक्ष लगाएं और घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करें। राजस्थान के अंदर हमने पहले एक कहावत सुनी थी, ये कहावत थी राजस्थान में 8 PM नो सीएम, और ये कहावत अब रियली में राजस्थान के अंदर सच होती हुई नजर आ रही है। आज भी जयपुर शहर के कई इलाकों में रात को 8 बजे के बाद में कई प्रकार के व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री की बात इसलिए कही जाती है कि रात को 8 बजे के बाद में शराब पीकर वह मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब मीडिया वालों को मसाला चाहिए होता है, न्यूज चैनल वालों को ब्रेकिंग न्यूज चाहिए होती है, और इसी ब्रेकिंग न्यूज को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आजकल हवामहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाल मुकुंद जी आचार्य बड़े ट्रेंडिंग में नजर आ रहे हैं, और ट्रेंडिंग में नजर आना भी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धरातल पे जो काम करता है, चाहे वो मंत्री हो या नहीं हो, लेकिन एक विधायक की जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि वजह होता है, उसके जो कर्तव्य होते हैं, उसके जो दायित्व होते हैं, वह दायित्व निभाते हुए नजर आ रहे हैं बाल मुकुंद आचार्य जी, जिन्होंने कल भी जयपुर शहर में रात को 8 बजे के बाद में बिकने वाली शराब पे बहुत बड़ा स्टिंग किया, और इंचार्ज को फोन करके उन्हें अवगत करवाया कि आपके इस इलाके में रात को 8 बजे बाद भी अवैध रूप से शराब बिकती है। उसके बाद में क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होती है वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यदि बताई जाए तो आपको बता दें जयपुर शहर के ऐसे इलाके जहां आज भी रात को 8 बजे बाद में शराब की बिक्रियां बहुत ज्यादातर होती है, या तो छेद के अंदर से शराब दी जाती है, या शराब की दुकानों के अंदर बने हुए छेदों के अंदर से शराब की बिक्री कर दी जाती है, यहां तक कि कुछ दलाल सड़कों पे खड़े होकर शराब को बेचते हुए भी नजर आते हैं। अब आपको मैं कुछ ऐसे क्षेत्र भी बताने जा रहा हूं जिन क्षेत्रों की अगर बात की जाए, हालांकि मैं उन क्षेत्रों का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि क्षेत्रों का नाम लेने पर कहीं ना कहीं मीडिया में बदनाम होती है, और कहीं ना कहीं मीडिया के साथ स्टूडियो के अंदर कैमरे के सामने बोलने वाले भी बदनाम होते हैं। एक ऐसा हवामहल में कई क्षेत्र हैं जहां रात को 8 बजे के बाद में शराब भी बिकती है, तो पर अय्याशियों का अड्डा भी चलता है। मैं उस पार्लर का नाम नहीं लूंगा, उस स्पा का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको बता दें कि आपके द्वारा आने वाले मैसेज के बाद में जब कमेंट बॉक्स में आप मुझे उस पार्लर के बारे में आप पूछेंगे तो उसे मैं अवगत भी कराऊंगा। बहुत जल्दी मीडिया के अंदर बहुत जल्दी बाद में तो आचार्य जी को भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र भी आता है, सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र भी आता है जहां नीचे रात को शराब बिकती है और ऊपर वहां पे अय्याशियों का अड्डा चलता है। नियर बाय पुलिस स्टेशन होने के बावजूद भी पुलिस की गाड़ी वहां जाती है, और जाकर पुलिस की गाड़ी वापस घूमकर वापस अपने थाने में पहुंच जाती है, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहा गया है कि सुशासन दिवस है, सुशासन की सरकार है, कुशासन खत्म हो चुका है, और कुशासन की वजह से कांग्रेस सरकार को अब छुट्टी कर दी गई है, लेकिन बीजेपी के आने के बाद भी आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा क्षेत्र है जिन क्षेत्रों के बारे में अभी वर्तमान के अंदर नव निर्वाचित जो विधायक है उन्हें उन क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए आप और हम लोग मिलके जनता के साथ में सपोर्ट लेके इन विधायकों को हम लोग चिन्हित करवाएंगे, इन विधायकों को हम लोग ये बताएंगे कि आज भी जयपुर शहर में ऐसे क्षेत्र हैं जहां रात को अवैध रूप से शराब बिकती है, शराब बिकने के बाद में वही लोग घर पे जाके मारपीट करते हैं और एक वारदात को अंजाम देते हैं। साहब मैं यहाँ आया हूँ, वो भी तेजा जी के मंदिर जाटो का पास, यहाँ 250 लोग घेर लिए, मुझे जाने नहीं दे रहे। यहाँ पर एक अवैध शराब का धंधा चल रहा है और 24 घंटे चलता है। और क्या जगह का नाम क्या है? केशव विद्यापीठ चौराहे पर चल रहा है साहब, ये चौराहे पे चल रहा है, अवैध शराब का धंधा चल रहा है, 24 घंटे चलता है। माताओं बहनों को तो निकलना मुश्किल कर दिया, बेवड़े पड़े रहते हैं, आपकी गाड़ियां आती है देके चली जाती है। और इसकी शिकायत है कि आप लोगों की वहां पर खड़े रह के काम हो रहा है। अजी इन लोगों की शिकायत है, आप इधर ध्यान नहीं दे रहे।
यहाँ पे भी नले के ऊपर ही खुलता है। और एक एक नले एक नले के ऊपर अवैध शराब का चल रहा है बिना लाइसेंस के, रोहित हॉस्पिटल के पास। अरे साहब लिख लो आप तो, रोहित हॉस्पिटल के पास। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, जब से हम रोज कह रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। मैं कहा आप साहब बीजेपी की आ गई, अब सुनवाई होगी हाथों हाथ। दो नंबर दारू बिक रही है साहब, दो नंबर की दारू बिक रही है, 24 घंटे बिक रही है, बिना लाइसेंस की बिक रही है। और कोई मर गया तो गले आएगा आपके। अब दूसरी केशव विद्यापीठ चौराहे पर साहब दारू बिक रही है दो नंबर की, 24 घंटे बिना लाइसेंस के। और सुनिए साहब, एक जैन वाटिका पे, जैन मंदिर के पास में ही, अब बताओ जैन मंदिर के पास भी ऐसे काम हो रहे हैं साहब। और वो उनके पास घरों में बेच रहे हैं लोग, बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं। कल को कोई नकली कोई बीमारी की बेच दी, कोई मर गया, संकट आएगा भारी। ये कह रहे हैं साहब गांव वाले कि हम 5 साल से कह रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही और अधिकारी हमारी सुनते नहीं साहब, भगाते थे धमकाते। चलो साहब मैं निवेदन कर दिया हूँ, मैं निवेदन कर दिया हूँ, कर दो साहब, कर दो इनको। गांव वाले माताएं बहने सब खड़ी हैं यहाँ पे। ठीक है साहब, धन्यवाद। महाराज एक ये अपने तो अपने क्षेत्र माता है, अपने वो वाला ठेका कहाँ है अभी? ये सामने में रोड पे ही है, इसी रोड पे ही है, कैसे भी चौराहे पे। चुपचाप ये ना गाड़ी लेके आगे चलो।